हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ अर्पिता। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक बहुत ही यमी और बहुत ही ज़्यादा हेल्दी पॉप्सिकल्स की रेसिपी। बच्चे फ्रूट्स खाने में अक्सर बहुत ही ज़्यादा नाटक करते हैं, नहीं खाना चाहते हैं, तो उनको फ्रूट खिलाने का बहुत ही अच्छा तरीका है। तो आज हम अनार से बनाने वाले हैं पॉप्सिकल्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं रेसिपी। ये पॉप्सिकल बनाने के लिए सबसे पहले मैंने एक अनार लिया है और इसको अच्छे से छील लेंगे। ये देखिए, अनार के दाने अलग कर लिए हैं एकदम छील कर, और बहुत ही अच्छे रेड कलर के एकदम दाने हैं। तो ये एक अनार हमने बड़ा साइज़ का लेकर छील लिया है, और अभी हम ले रहे हैं मिक्सी का जार और उसमें ये दानों को डाल देंगे। अभी हम इसमें ऐड करेंगे चीनी, तो ये मैं 3 चम्मच चीनी इसमें डाल रही हूँ, और इसके बाद मैं इसमें डाल दूँगी थोड़ा सा रोज़ एसेंस। तो ये 1/4 टेबल रोज़ एसेंस मैं इसमें डाल रही हूँ। आप यहाँ वनीला एसेंस भी यूज़ कर सकते हैं। और बस अभी इसको पीस कर हमने रेडी कर लिया है, और अभी हम एक बाउल लेंगे और एक छलनी से इसको अच्छे से छान लेंगे। ये देखिए, इस पॉप्सिकल को बनाना ना बहुत ही आसान है, तो आप इसको एक बार ज़रूर ट्राई करें। बच्चों के लिए बहुत ही हेल्दी ऑप्शन है ये। देखिए, अच्छे से छान लेंगे इसको। ज़्यादा पॉप्सिकल्स आपको बनानी है तो आप थोड़े ज़्यादा अनार भी ले सकते हैं। यहाँ मैंने एक अनार की बनाई है, तो देखते हैं एक अनार से कितनी पॉप्सिकल्स बनकर रेडी होंगी। ये देखिए, जूस बनकर रेडी हो चुका है। तो अभी हमें लेना है एक मोल्ड, और बस अभी ये मोल्ड में हम थोड़ा थोड़ा करके डालते जाएंगे। ये देखिए, बस इसको फिल कर ले। हमने जो इसमें एसेंस यूज़ किया है, उससे ना इसका फ्लेवर बहुत अच्छा हो जाएगा। इससे अनार का फ्लेवर थोड़ा कम आएगा बच्चों को, तो खाने में ज़्यादा अच्छी लगेगी। आप चाहें तो वो स्किप भी कर सकते हैं, अगर बच्चों को ये फ्लेवर अच्छा लगता है अनार का, तो आप स्किप कर सकते हैं। तो ये देखिए, एक अनार से ये 4 पॉप्सिकल्स बने हैं, और अभी हम इसे पैक कर देंगे, मतलब ऊपर से इसे कवर कर देंगे, और बस उसके बाद इसको फ्रीज़र में रखना है 4 से 5 घंटे के लिए। तो बस अभी इसको हम फ्रीज़र में रख देते हैं और मिलते हैं 4 से 5 घंटे के बाद। तो ये देखिए, लगभग 5 घंटे के बाद मैं इसे ओपन करके देख रही हूँ, एकदम अच्छे से निकल के आ रही है बाहर, और बहुत ही मज़ेदार पॉप्सिकल बनी है। कलर भी बहुत प्यारा आया है। कलर अनार के कलर पर डिपेंड करता है। अगर अनार हमारा डार्क कलर का एकदम है, तो बहुत ही अच्छे डार्क कलर के पॉप्सिकल्स बनेंगे, और थोड़ा लाइट है तो पॉप्सिकल्स थोड़े लाइट रहेंगे। तो हमारे दाने एकदम डार्क थे, तो पॉप्सिकल्स भी बिल्कुल डार्क बने। हमने कोई कलर का यूज़ यहाँ पर नहीं किया है। ये देखिए, दिखने में बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रही है, और खाने में भी ये बहुत मज़ेदार हैं। तो इस समर सीज़न आप अपने बच्चों के लिए एक बार ज़रूर ट्राई करें। इससे ज़्यादा हेल्दी ऑप्शन पॉप्सिकल्स में हो ही नहीं सकता। बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्दी और टेस्टी ऑप्शन है ये। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब का बटन जल्दी से दबा दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसी ही एक मज़ेदार रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।